7 साल से बॉयज़ फर्स्ट आ रही हैं, तो बॉयज़ के सपोर्टर्स बहुत हैं, और लड़कियों ने तो एक ही पॉइंट पकड़ के रखा है, वो सिर्फ वो बम्ब्रो गर्ल्स वालों ने। तो मुझे लगता है कि इस बार की थीम यही होनी चाहिए थी कि यहाँ पर जैसे स्वच्छ भारत की बात है। अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शिवम चैनल। मैं इस वक्त स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा से आप तक मुख्तलिफ प्रोग्रामात की एक बेहतरीन पेशकश लेकर के दिखाने की कोशिश करूंगा। साथ में आप सब लोगों से यही कहूंगा कि अगर आपको प्रोग्राम पसंद आए, ज़रूर पसंद आएगा, आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि यौम जम्हूरिया के हवाले से जो पैगामात मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम्स के ज़रिए से, परेड के ज़रिए से, मुख्तलिफ स्पीचों के ज़रिए से, मुख्तलिफ बाइट्स के ज़रिए से आप तक पहुँचाया गया है, वो आप सब तक पहुँचे। आप सबको मालूम है 1947 में जब हमारा मुल्क भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद यौम जम्हूरिया आज हम इसी लिए मनाते हैं क्योंकि हमारा देश जो है ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री वजूद में आई, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब व मतों और रंग व नस्ल, मुख्तलिफ इलाका जात के लोग एकजुट एक साथ मिल कर के रहते हैं और अपने यहाँ पे कानून और दस्तूर के ज़रिए से बनाए हुए कवानीन के तहत अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हर साल जिस तरीके से आज़ादी के बाद यौम जम्हूरिया को पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है, तो वहीं डोडा के अंदर भी यहाँ पे इस दिन को बड़े जोश और खरोश के साथ यहाँ के लोगों के ज़रिए से मनाया जाता है। चाहे उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख या कोई और भी बरादरी का इंसान हो, वो इस दिन को त्यौहार के तौर पर मनाता है। आप सबको मालूम है कि हर साल की तरह इस साल भी यौम जम्हूरिया के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं, तो एक थीम रहती है जिस पर एक पूरा प्रोग्राम नज़्म व ज़ब्त किया जाता है। और इस साल 74वें यौम जम्हूरिया पर जो थीम दी गई थी पूरे मुल्क भारत में, जहाँ जहाँ पर भी यौम जम्हूरिया का जो त्यौहार है मनाया जा रहा है, वो जन भागीदारी के हवाले से, यानी पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन पीपल। इसके अलावा पहले भी इस तरीके से लोग पार्टिसिपेट तो करते ही थे, लेकिन इस बार ख़ास तौर से तवज्जो मरकूज कराई कि जो आम इंसान है, जन भागीदारी यौम जम्हूरिया के अंदर हो। और आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि इस वक्त का जो प्रोग्राम है वो स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा के अंदर चल रहा है। मुख्तलिफ तरीके के सकाफती प्रोग्राम, यहाँ के रस्मों रिवाज और रिवायती प्रोग्राम, और परेड के अलावा यहाँ पे मुख्तलिफ स्पीचों के ज़रिए से जो पैगामात आप तक पहुँचाए गए मुख्तलिफ तरीके के सियासी रहनुमाओं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के ज़रिए से हम आपको चैनल के ज़रिए से दिखाएंगे। और आइए बढ़ते हैं हमारी उस आज की खूबसूरत पेशकश की तरफ। रिपब्लिक डे पर मैं मुबारकबाद देऊंगा आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से कि आज हमें बहुत सारी उपलब्धियां हासिल हुई हैं। सरकार ने भी अप्रिशिएट किया है हमारे इस डिस्ट्रिक्ट को, बहुत सारे कामों में जो हम अग्रणीय रहे हैं उस पर भी हमें एलजी महोदय ने पुरस्कृत किया है। और उसके साथ साथ यहाँ की हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हर फील्ड के उन लोगों को जिन्होंने अपनी अपनी सर्विसेज अपने अपने हिसाब से ईमानदारी के साथ और अच्छे से परफॉर्म किया है, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई किया गया है, उनको भी एनकरेज किया गया है। और आने वाले समय में हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो संभावनाएं बन रही हैं उसके लिए भी लोगों को आगाह किया जा रहा है कि यहाँ की नेचुरल आबो हवा को बचाया जाए, पेड़ों जंगलातों को बचाया जाए, पानी को साफ रखा जाए, स्वच्छ भारत रखा जाए, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर आपसी भाईचारा, आपस में तालमेल उसको बनाया जाए, और यहाँ पर पीआरआईज और
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सारे लोग रल मिलकर खिदमत खलक के लिए लोगों के लिए अपने अपने जो ड्यूटीज़ हैं, अपने अपने जो काम हैं, उन सब को हम सब लोग ईमानदारी के साथ करें, ताकि आने वाले समय में जिस तरीके से हमारा ये रूरल डिस्ट्रिक्ट जो है नंबर वन पर रहता है, आने वाले समय में भी इसमें कोई दिक्कत ना आए और जो कमियां हैं उनको पूरा किया जाए। थैंक यू। आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा, जो हर साल यौम-ए-जमहूरिया मनाया जाता है, इसकी कुछ थीम्स रहती हैं, और इस साल की थीम थोड़ा सा आप जनता को बताइए कि वो थीम क्या थी और उस पर किस तरीके का काम हो प्रोग्राम हो। मुझे लगता है कि इस बार की थीम यही होनी चाहिए थी कि यहाँ पर जैसे स्वच्छ भारत की बात है, यही होनी चाहिए थी कि यहाँ पर जैसे स्वच्छ भारत की बात है। और इस साल 74वें यौम-ए-जमहूरिया पर जो थीम दी गई थी पूरे मुल्क भारत में, जहाँ जहाँ पर भी यौम-ए-जमहूरिया का जो त्यौहार है मनाया जा रहा है, वो जन भागीदारी के हवाले से, यानी पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन पीपल, यही होनी चाहिए थी कि यहाँ पर जैसे स्वच्छ भारत की बात है, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी से काम करने की बात है, यहाँ पर हमने बहुत सारी सर्विसेज को जो है ऑनलाइन शुरू किया हुआ है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर सब लोग ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करें। तो मैं समझता हूँ यही कुछ एक पॉइंट्स हैं, इन्हीं को थीम बनाना चाहिए और इन्हीं पर आगे काम होना चाहिए। तो नाज़रीन, कल्चरल प्रोग्राम के हवाले से जो झलकियाँ यहाँ पे दिखाई गई, उसके हवाले से यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि यौम-ए-जमहूरिया जो 74वां यौम-ए-जमहूरिया इस वक्त स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में मनाया जा रहा है, इस पर इन लोगों के किस तरीके के ख्यालात हैं हमारे साथ बात करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये जो बच्चे हैं, कितना जो देशभक्त है भाई, हम सब देशभक्त कहोगे, मतलब इस पूरे यौम-ए-जमहूरिया के हवाले से। अच्छा एक बात, इधर सुनो, अरे आराम से आप मुझे ये बताओ, इधर सुनो आज के प्रोग्राम में जो आप लोग आए हो, आपको क्या लगता है इस दिन को क्यों मनाया जाता है? इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूट बना था, तभी हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो कितना अच्छा लगता है आपको इस तमाम? बहुत बढ़िया। भारत माता की बस हम इतना कहना चाहेंगे। आप बात है, जोश जज्बा तो बड़ा जबरदस्त है भाई भाई, भाई हिंदुस्तान देश के लिए प्यार है, हिंदुस्तानी है हम, देश के लिए बहुत ज्यादा प्यार है हमें अपने, हम गर्व करते हैं अपने देश पे, बहुत ज्यादा गर्व कर गए थे। बात है, देखिए यहाँ पे जो है पब्लिक में हम आए हैं, देखिए हमारे यहाँ पे मीनू शर्मा है। मीनू, क्या प्रोग्राम में, पहले तो जो है यहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ सुबह से और आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो किस तरीके से आपको लगा? मेरे को ना बहुत अच्छा मतलब फील हो रहा है, एक पैट्रियटिज्म वाली फीलिंग जो होती है ना वो अंदर से आती है। मेरे को ऐसा मन करता है कभी कभी कि मैं जाके वहाँ पे परफॉर्मेंस दे दूँ, मतलब इन छोटे छोटे बच्चों को देख के, इनका जोश देख के, मतलब इनको देख के। अभी भी आप कैमरामैन से मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगी, आप दिखा दो, वहाँ पे इतने छोटे छोटे से बच्चे जो है वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कैमरामैन से एक बार आप दिखा दो, वहाँ पे इतने छोटे छोटे से बच्चे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है। मीनू, जो 26 जनवरी है, यौम-ए-जमहूरिया के हवाले से आपका क्या पैगाम रहेगा, आप क्या समझते हैं यौम-ए-जमहूरिया को, इस पे क्या मैसेज देना होता है लोगों के दरमियान, किस तरीके की अवेयरनेस होती है? और दूसरी बात यह है कि इन जैसे नेशनल फेस्टिवल्स को साल में मनाने का मकसद क्या है, क्या समझते हैं आप? मुझे लगता है ना कि नेशनल फेस्टिवल को मनाने का, या हमारा इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, ये सब फेस्टिवल जो हैं इनको सेलिब्रेट करने का कोई और मेन मोटिव, या ये डांस करना एंड ऑल दैट, ये कोई हमारा मेन मोटिव नहीं। हमारा मेन मोटिव है एकता, टुगेदरनेस, मतलब हिंदू मुस्लिम, आप देखोगे यहाँ पे आपको हर एक कम्युनिटी के लोग मिलेंगे, कोई SC होगा, कोई ST होगा, कोई जनरल, OBC, वो जो गेट लगा है ना वहाँ से हर एक की एंट्री हो रही है, ठीक है। हाँ, बस उन लोगों को यहाँ से दूर रखा गया है जो थोड़े नशा करते हैं एंड ऑल दैट, जो गलत काम करते हैं। बट बात की जाए जाति की, उस जाति पे लेकर या धर्म को लेकर कोई भेदभाव नहीं है, वो एक सिंगल गेट है जहाँ से लड़कियाँ भी एंटर हो रही हैं, मेल्स भी एंटर हो रहे हैं, फीमेल्स भी एंटर हो रही हैं, वो एक सिंगल गेट है, और वो हमें दिखाता है कि कितनी टुगेदरनेस, कितनी एकता जो है वो हमारे डोडा में, हमारे जम्मू कश्मीर में अभी भी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हाँ हम मेल्स के लिए अलग गेट बनाएंगे, फीमेल्स के लिए अलग, SC के लिए अलग, ST के लिए अलग, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एकता देखकर मुझे भी बहुत खुशी मिलती है, मतलब यहाँ पे अभी बड़े से बड़ा लोग, अमीर से अमीर लोग, गरीब से गरीब लोग, हर एक जो है वो इस मैदान में उतरे हैं, मैदान में खड़े हैं, और वो बच्चों की परफॉर्मेंस देख रहे हैं, और उनको भी खुशी हो रही होगी,
सेम एज मेरे को भी खुशी। आपकी जो है आपके आप सबके आशीर्वाद से जो है मैं छोटे छोटे काम करती हूँ और धीरे धीरे यूटी जाती हूँ, नेशनल भी गई मैं, बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप सब मुझे सपोर्ट करते हो इस वजह से। क्या कहना चाहोगे यौम जमहूरिया के इस मौके पर? सबसे पहले तो सब कुछ 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जितने भी हमारे डोडा के लोग हैं बहुत हर्ष और उल्लास है अभी लोगों में। मैं देख रही हूँ कि बहुत डिफरेंट स्कूल से बच्चे आए हुए, कीचड़ है, पानी है, ये ठंड है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरा डेडिकेटेड होकर वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमारे जितने भी बच्चे हैं उनके अंदर जो है आज के दिन के अंदर उनके अंदर जितनी भी देशभक्ति है, देश को लेकर जितना प्रेम है, वो छलकता है क्योंकि बच्चे जो है आज अपनी पूरी डेडिकेशन से परफॉर्म यहाँ पर करते हैं। डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे, डिफरेंट NGOs के जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, परेड होती है, बहुत अच्छा लगता है जब सारे मिलजुल कर इस बड़े दिन को सेलिब्रेट करते हैं। क्या बात है मीनाक्षी, बहुत अच्छा पैगाम है आपका। इसके अलावा नजर हम आपको थोड़ा सा ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए आपसे जानने की कोशिश करूंगा, आर्मी की वर्दी में हैं आप और आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहे थे और बॉयज हायर सेकेंडरी से हो आप, आपके प्रोग्राम के हवाले से यहाँ पे जब हमने लोगों से फीडबैक लिया तो खास तौर से कहते हैं कि बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा ही जो है फर्स्ट परफॉर्मेंस पे आनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, आपको किस तरीके से आइडिया है कि आप कंटिन्यूसली एक ही प्रोग्राम पे फोकस करते हैं, क्योंकि हम हर साल आप लोगों को देखते हैं लेकिन उसके बावजूद जो है लोग आपके दीवाने होते हैं, क्या बात है? सर ये हमारे टीचर्स की क्या बोलते हैं मेहनत है कि हम यहाँ पे हैं, उनकी वजह से हम यहाँ पे हैं। हमारे टीचर्स हमारे मतलब बहुत कोऑपरेटिव और बहुत मेहनत करते हैं हमारे ऊपर, जिस वजह से हमको ये जो प्रोग्राम है आपके सामने दिखाया जाता है। तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, जो आप वर्दी पहनते हैं, जो जज्बा हमारे देश के जवानों का हमारे देश की रक्षा के हवाले से, क्या इस तरीके की फीलिंग्स आपको ये वर्दी पहन के आती? जी सर बिल्कुल आती है, हर किसी को आती है। जब आर्मी की यूनिफॉर्म आपकी बॉडी पे हो, जाहिर सी बंदा है, बंदे को फीलिंग्स अंदर से आती है कि नहीं, इंडियन आर्मी इज द बेस्ट सिक्योरिटी ऑफिस इन इंडिया। आप कब पहुंचे थे इस प्रोग्राम? इसमें पहुंचे थे हमको 9:30 बजे। क्या देखा इधर? सब कुछ देखा, अच्छा बना है सब कुछ। क्या क्या कुछ बताओ जरा, क्या क्या पसंद? प्रे भी अच्छी आई है, डांस भी अच्छी आया, पूरे प्रोग्राम अच्छे आए हैं। इससे पहले कभी देखा है आपने इस जैसा प्रोग्राम? प्रेम देखी हमने, फिर डांस देखे। क्या कहना चाहोगे इस पूरे प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगा मुझे, और क्या, इतना कभी नहीं देखा मैंने। यहाँ पे कुछ स्कूली बच्चे भी हैं, थोड़ा सा इनसे भी पूछते हैं, आपका नाम जानना चाहेंगे। मोनिका शर्मा। मोनिका कैसा लगा जो प्रोग्राम, आप शायद खुद पार्टिसिपेट थे और पार्टिसिपेशन करते हुए, कैसा लग रहा है 74वां यौम जमहूरिया है, इस पर क्या कहूँ? मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं कमांडर थी यहाँ पे, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि चिकट भी थी, हमने उतने अच्छे से नहीं किया पर फिर भी अपनी तरफ से बेस्ट ही दिया। क्या मैसेज रहेगा यौम जमहूरिया के हवाले से? कि मतलब जो भी अब अगले साल आएंगे वो भी अच्छा होना चाहिए। हमारी गर्ल्स हायर सेकेंडरी तो सबसे बेस्ट है, खास करके हमारे ओम प्रकाश सर और हमारी सरिता मैम सबसे अच्छे, जो हमारी हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। क्या लगता है जो प्रोग्राम इस तरीके से होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स, इनको किस तरह से आते? तो देखिए ये हैं कुछ स्कूली बच्चे जिनसे हमने जानकारी लेने की कोशिश की, इसके अलावा और भी कुछ लोग हैं, थोड़ा सा आपका नाम जानना। योगेश सिंह सर। क्या कहोगे योगेश, पूरा प्रोग्राम आप देख रहे थे, कैसा लगा? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इस तरीके के जो हमारे नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं किसी भी तरीके से, चाहे रिपब्लिक डे है चाहे इंडिपेंडेंस डे है, इस तरीके के प्रोग्राम्स में आना, यहाँ पे प्रोग्राम्स देखना कैसा लगता है? सर बहुत अच्छा लगता है सर, सुबह तो उम्मीद नहीं थी कि हो पाएगा लेकिन अभी मौसम ठीक हो गया, बहुत ही अच्छा हो रहा है, प्राउड फील हो रहा है सर। क्या क्या देखा आपने? सर सब कुछ देखा सर। खास चीज़ें जो आपको याद रही इस प्रोग्राम? सर इसमें यही खास रहा कि सर थोड़ा तो ऑडियंस बहुत कम आई है लेकिन खास ये रहा कि अभी धूप निकली, जो बहुत ही अच्छा लगा कि किसी ना किसी तरीके से भगवान भी हमारे साथ है, अल्लाह ताला भगवान हमारे साथ है ताकि तभी धूप निकली, कल्चर हो पाए, छोटे छोटे बच्चे जो मेहनत करके आए थे वो सक्सेस हुए अपने काम में सर। क्या बात है, तो देखिए किस तरीके से जज्बा है यहाँ पे लोगों का, आप देख रहे होंगे ये जो लड़कियाँ हैं कितनी खुश दिख रही हैं। क्या बोलोगे कुछ प्रोग्राम के हवाले से, कैसा लगा आपको कुछ 26 नेशनल यूथ फेस्टिवल क्या है ये पूरा बताइए? हमारी यूथ फेस्टिवल में सिलेक्शन हुई थी, जो कि हमारा पहले इंटर डिस्ट्रिक्ट हुआ था, उसके बाद यूटी पे हुआ जम्मू में, उसके बाद कर्नाटका गए थे हम और सिलेक्शन मतलब वो करके आए। कैसा लग रहा है आपको आज रिपब्लिक डे में यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हुए, किस तरीके से कहो? रिपब्लिक डे में मुझे पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि रिपब्लिक डे में अभी तो फिलहाल हमने पार्टिसिपेट नहीं किया लेकिन जितने भी बच्चों की मेहनत है वो कामयाब होती है, यहाँ पे सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितने साल से पार्टिसिपेट कर रहे हो इन जैसे प्रोग्राम? ये तो मेरा फर्स्ट टाइम था। कैसा रिप्रेजेंट किया आपने जम्मू कश्मीर को, आपने नेशनल में जाके क्या रिप्रेजेंट कर रहे? मतलब हम अपनी यूटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ पे,
फोक डांस में। कैसा रहा आपका सफर वहाँ पे, एक्सपीरियंस एक्सपोजर? हमारा सर डोडा टॉप 5 में आया है। 5 में डोडा? फोर्थ नंबर में। देखिए यहाँ पे कुछ और बच्चे भी हैं, थोड़ा सा आपसे, आप में से किसी को जानने की कोशिश करेंगे, क्या एनसीसी का जो आपको सारा लगा है, परेड में आप देख क्या कहोगे, परेड क्या? सर फिलहाल तो कुछ नहीं, परेड मौसम के खराब सर, थोड़ी मौसम बहुत खराब रहा सर, इसके कारण थोड़ी परेड अच्छी नहीं हुई जितनी हमने मेहनत की हुई थी। तो किस तरीके का जो स्पोर्ट्स स्टेडियम में जब भी इस तरीके के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं यहाँ पे पूरी हालत हो जाती है स्टेडियम में, इस पर कोई मैसेज आप? सर इस पर अगर मैं यही अपील करूँगा कि अगर कवर स्टेडियम हो जाए तो, फिलहाल तो मौसम जब भी हम इतनी मेहनत करते हैं तो हमारा जो मौसम के कारण इतना अच्छा नहीं रह पाता जितनी हम मेहनत करते हैं कॉलेज में। देखिए यहाँ पे कुछ कल्चरल जो है ड्रेसेस लगा के कुछ यहाँ पे लड़कियाँ आपसे पूछने की कोशिश करेंगे, आप पार्टिसिपेट किस में कर रहे हैं? हम रूफ डांस, हमने, अच्छा स्कूल बता रहे हो? कौन सा स्कूल है? इकरा मॉडल एकेडमी स्कूल। क्या रिप्रेजेंट किया आज आप? हमने आज यहाँ पे कश्मीरी रूफ प्रेजेंट किया। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, ऑफ कोर्स अच्छा लगा। आपके साथ ही हैं ये लोग, क्यों मतलब मायूस जैसे लग रहे हैं, थोड़ा हंसो यार। भूख लग रही है इनको। नीचे आओ, क्या हो रहा है? भूख लगी है। भूख लगी है तो प्रोग्राम में मजा नहीं आ रहा है? हाँ बहुत ज्यादा भूख बर्दाश्त कर रहे हो प्रोग्राम? हाँ। बारिश वगैरह हुई थी रात को, पूरा जो स्टेडियम हमेशा भरा रहता है इस जैसे प्रोग्राम के लिए, हमेशा यहाँ बारिश होती है, इस पर क्या मैसेज रहेगा? सुबह जो थे मतलब बारिश हो रही थी, मुझे लगता नहीं था कि यहाँ पे प्रोग्राम हो पाएगा, लेकिन जब थोड़ी देर के बाद फिर सूरज जो है निकला, फिर थोड़ा थोड़ा बारिश खत्म हुई, फिर हमने प्रोग्राम मतलब किया, बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, और बाकी प्रोग्राम भी बहुत परफॉर्म हो रहे हैं, अच्छे से हो रहे हैं। क्या मैसेज रहेगा आप सब लोगों का? आपका क्या नाम? ममता। क्या कहना चाहो? बहुत मजा आया आज यहाँ पे परफॉर्म करके। इससे पहले पार्टिसिपेट किया कभी रिपब्लिक? हाँ हर साल यहीं पे कर। यस यहीं पे करते हम। अच्छा परफॉर्मेंस रहा? बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा। इसके अलावा ये तो बच्चे थे, आखिर आपसे थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे सर, क्या नाम है आपका? इमरान। देखिए ये तो बच्चे हैं, खैर ये तो एंजॉय करते ही हैं, आप यौम जुमहूरिया मनाने किस तरह से आते, क्या सोच के? सर ये नेशनल फेस्टिवल है, ये ज़रूरी है कि हर कौम इसकी इज्जत करे, हम अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं भी इकरा मॉडल से हूँ, मैं उनका टीचर हूँ, तो आज हम आए थे, निराश थे पहले कि कहीं मौसम फिर से ख़राब ना हो, अगर आपको याद हो तो 15 अगस्त के दिन भी बहुत बारिश रही थी, बहुत मुश्किल आई थी, लेकिन आज ताहम चिकट तो थी लेकिन फिर भी मौसम ठीक रहा, तो बहरहाल अच्छा प्रोग्राम रहा। क्या लगता है आपको, बारिश हो बर्फ हो किसी तरीके का भी मौसम हो, ये फेस्टिवल्स मनाने के लिए लोग जज्बे के साथ आते हैं, ऐसा लगता? बिल्कुल, और होना भी चाहिए भाई, हम एज ए इंडियन हम अपने इस नेशनल फेस्टिवल्स को तो किसी तौर पे भी मनाना चाहिए, चाहे बारिश भी हो, अगर आपको याद हो लास्ट तो 15 अगस्त के दिन इतनी बारिश थी लेकिन तब भी लोग आए और बहुत अच्छी तरह परफॉर्म हुआ और बहुत अच्छा फंक्शन रहा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, और भी कुछ लोगों से थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, आइए हम इस वक्त पब्लिक के अंदर चल रहे हैं तो थोड़ा सा इन लोगों से भी यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। बच्चे क्या नाम है? दाऊद। दाऊद, रिपब्लिक डे मना रहे हो आप, क्या लगता है इस हवाले से, ये क्या है? ये जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो डे हम मना रहे हैं यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहे हैं। हाँ। यहाँ पे जो मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोग आते हैं, आप एक बच्चे हो, इन तमाम चीज़ों को कैसे देखते हैं? हम तो इन तमाम चीज़ों को ऐसे देखते हैं, मतलब कि जैसे यहाँ पे 26 जनवरी के दिन कल्चर्स होते हैं, परेड होते हैं, ये तो हमें पहले से ही सिखाया जाता है सब कुछ, पहले तो स्कूल में सिखाते हैं फिर यहाँ हमें सिखाते हैं, मज़ा आता है। हम आपने क्या परफॉर्म? हमने अब देखेंगे ये बताएंगे, जैसे बोलते थे स्कूल वाले तो बोलते थे फर्स्ट प्राइज आना चाहिए, तो आप किस स्कूल? ग्रीन मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा। आपने पार्टिसिपेट किया या ऐसे देखने आए? नहीं पार्टिसिपेट किया मैंने। इसमें परेड में? परेड में आपने पार्टिसिपेट किया। आदिल हुसैन, क्या कहोगे प्रोग्राम में, आप सुबह से लेके अभी तक प्रोग्राम में बैठे हुए हो, बारिश भी थी यहाँ पे, कीचड़ भी बहुत ज़्यादा उठा था लेकिन उसके बावजूद आप सारे लोग यहाँ पे जज्बे के साथ बैठे हो, प्रोग्राम देख रहे हो, क्या कहो? बस यही मस्त था, अच्छा था, बेस्ट रहा यहाँ का परफॉर्मेंस, वैसे भी हमारे डोडा में खासकर बॉयज़ का ही अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है देखने के लिए, अदरवाइज़ बाकियों में तो मुझे मतलब उतना मैंने देखा नहीं खुद से, उतना मुझे वो इंटरेस्ट भी नहीं रहा उसमें, बाकी जो बॉयज़ का मैंने प्रोग्राम रहा बहुत अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा बेस्ट बॉयज़ के स्पोर्ट में। आप बॉयज़ के स्पोर्ट में? बॉयज़ के स्पोर्ट में यहाँ पे कौन कौन हो भाई? भाई बॉयज़ के स्पोर्ट में तो हम पहले मैं इकरा मॉडल।
क्या मॉडल से हो? नहीं, स्पोर्ट में बॉयज की स्पोर्ट में कौन है यहाँ पे जो बॉयज ने परफॉर्मेंस दिया था उसका स्पोर्ट में? बॉयज के स्पोर्टर्स आपको यहाँ से आगे मिल जाएंगे। क्या बॉयज के स्पोर्टर हो आप सारे? यस सर, यस बॉयज के स्पोर्टर। यार जज्बा दिखाओ ना फिर, अगर बॉयज के स्पोर्टर आपको क्या लगता है कि मतलब ये जो यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं बॉयज हायर सेकेंडरी, लेकिन आपको नहीं लगता है कि हर बार ये कुछ एक ही प्रोग्राम में डिफरेंट चीजें दिखाते हैं, क्या लगता है? हाँ दिखाते हैं, हमें भी पता है, लेकिन मतलब क्या लगता है आपको इस एक तो आइटम उनकी मतलब एक ही चीज में बेस्ड होती है, आइटम में कुछ पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन ऐसा माहौल वो क्रिएट कर देते हैं कि सारी जो जनता है वो उन्हीं के फेवर में जाती है, ऐसा क्यों? 7 साल से बॉयज़ फर्स्ट आ रही है तो बॉयज़ के सपोर्टर्स बहुत हैं, और लड़कियों ने तो एक ही पॉइंट पकड़ के रखा है, वो सिर्फ वो बम्ब्रो गर्ल्स वालों ने। तो कौन जीत बॉयज? अरे आज के जो आज का कल्चरल प्रोग्राम हुआ इसमें कौन जीतना चाहिए? बॉयज ने क्योंकि कल्चर प्रोग्राम अच्छा किया इसीलिए। आप किस स्कूल से थे? जो था आप किस स्कूल से? इकरा एकेडमी से। बताइए जो आज प्रोग्राम यहाँ पे हुआ, लड़कों का कहना है कि बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल ही फर्स्ट आना चाहिए कल्चरल में, आप लोगों को क्या लगता है? हम अभी ऐसा कुछ नहीं बता सकते हैं जो होगा, मतलब आप क्या चाहते हैं कौन आना चाहिए? आई थिंक बॉयज ही। क्यों? मतलब उनका प्रोग्राम कुछ अच्छा और ज्यादा मतलब देशभक्ति पे उनका प्रोग्राम रहा ज्यादातर, तो आई थिंक बॉयज ही, और हमने भी बहुत अच्छा किया, ऐसी बात नहीं है, इकरा मॉडल स्कूल है हमारा। क्या एक्सपेक्ट करते हो आप अपने परफॉर्मेंस? बहुत अच्छा लगता तो है कि पोजीशन आएगी अब। चलिए इसके अलावा और भी कुछ लोग हैं, थोड़ा सा आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आज जो प्रोग्राम सुबह से यहाँ पे चल रहा है आप देख रहे हैं, तो जितने भी स्कूलों ने यहाँ पे प्रोग्राम यहाँ पे किया, आपको क्या लगता है कि किसको अव्वल मकाम आना चाहिए, फर्स्ट पोजीशन? ये तो सब तय हो चुका है, लेकिन बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, थोड़ी सी बारिश और कीचड़ की वजह से थोड़ी सी परेशानी रही, इससे भी और अच्छा हो सकता था। यही डिस्ट्रिक्ट डोडा की एक पहचान है, यहाँ का फैशन कल्चर भाई भाईचारा बहुत अच्छा है। डिस्ट्रिक्ट डोडा अब इस वक्त किसी से भी पीछे नहीं, किसी भी कंट्री से पीछे नहीं है, यहाँ का भाई भाईचारा बहुत अच्छा है, और आगे भी इससे भी और अच्छे प्रोग्राम होते रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोगों के काफ़ी जोश और खरोश है। संगीता भगत, DDC, वाइस चेयरपर्सन डोडा। सब एक साथ रहे, एकता बना के रहे, और जो ये फेस्टिवल का एक महत्व है उसको इसी जोश से खरोश से मनाएं। मेरा नाम वेद प्रकाश गुप्ता, प्रेजिडेंट म्यूनसिपल कौंसिल डोडा। मैं अपनी पूरी कौंसिल की तरफ से, पूरे कौंसिलों की ओर से और अपनी ओर से पूरे डोडा वासियों को इस 26 जनवरी के लिए बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम मुश्ताक अहमद भट्ट है, मैं DDC मरम्मत खलैनी से हूँ, और आज जो प्रोग्राम हुआ इधर डोडा स्टेडियम में बहुत अच्छा हुआ, और जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पुलिस की तरफ से बहुत कड़े इंतज़ाम किए गए थे, मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ इनका, धन्यवाद। सब लेफ्टिनेंट प्रोफेसर जैन भट्ट, आई एम एसोसिएट NCC ऑफिसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा। मेरी तरफ से पूरे देशवासियों को हैप्पी रिपब्लिक डे, और ख़ास तौर पे NCC नेवल विंग DDC डोडा की तरफ से मुबारकबाद। तो नाजरीन ये था आज का बेहतरीन प्रोग्राम जो कि स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा से हम योम जुमुरिया के हवाले से आप तक पहुंचा रहे थे। देखते रहिए शोम चैनल, अपने मेज़बान इदरीस फलाई को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।